Mansi just called me and told me that our registrations are open for our counseling after so long. Oh my god. Excitement ke saath saath nervousness to ho rahi hai. That it's been some days ghar par aur phir chale jayenge hum log aur we gonna start our new life. Currently I'm not posting any video on my any of channel or on Instagram because I'm healing from malaria, typhoid, bad cough. See this. The result, I am afraid, but a kind of anxious because काफी time बाद कोई result आ रहा है नीट के बाद जो कि है मेरी स्टेट काउंसलिंग राउंड 1 का रिजल्ट. लेट्स सी व्हाट हैपेंस, फिंगर्स क्रॉस्ड. मैंने अपनी मॉर्निंग की पिल्स ले ली हैं. एनीवेज लाइफ गोज ऑन एंड लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन. अगर होता है तो इट्स वेल एंड गुड और अगर नहीं होता है तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे राउंड 2 में. और अगर हो गया तो फिर हम चलेंगे अपने कॉलेज का टूर करने कल या परसों. जय जय सीताराम. तो अपनी बेटी के लिए और बहुत अच्छी महाराज जी का आशीर्वाद है कि पढ़ाएं, बेटियों को भी पढ़ाएं. बेटियां भी बहुत तरक्कियां करती हैं. उनका नाम जरूर ऊंचा करेंगे वो और आपको तरक्की की ऊंचाइयों तक जरूर पहुंचाएंगे. धन्यवाद. एंड रात के 11:30 बजे हमने स्टार्ट कर दी अपनी एक पूरी नाइट की जर्नी. थिंक टू अस, हमारी जर्नी होनी चाहिए थी कुछ 8 से 9 घंटे की, लेकिन वो जर्नी 9 से 10 घंटे की बनने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि हम बीच में रुकते रुकते गए थे. रात के बज रहे हैं 4:30 और हम हैं पेट्रोल पंप पे. हम हैं यूपी. हैव फन विद दिस क्यूट एंड फनी कन्वर्सेशन बिटवीन मी एंड माय मम. मैं हूं उत्तर प्रदेश निवाड़ी. हम जा रहे हैं सतना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश. क्यों जा रहे हैं? आशी का एडमिशन कराने के लिए. गुड गुड गुड, वेरी गुड. बाय बाय. पैदल जा रहे हैं सतना. गाड़ी कौन चलाएगा? चले जाओ गाय पे बैठ के. दौड़ाते दौड़ाते टपड़क टपड़क. ये फोटो हमारा निवाड़ी का है. लाइक करो, सब्सक्राइब करो. हाँ, और कमेंट भी करो. कमेंट भी करो. After this cute, funny and memorable conversation we had to our journey and it's morning and sky color changes like miracle. It looks so beautiful to see a sky changing its color in morning and we had our morning in a jungle. What can be better than this? Samay nikalta ja raha tha, kilometers kam hote ja rahe the aur hamari destination पास आती जा रही थी. हर किलोमीटर के कम होने पर मुझे वो जर्नी याद आ रही थी जिससे होकर आज मैं यहाँ पहुँची हूँ. वो स्लीपलेस नाइट्स, वो कन्फ्यूजन्स, वो सिली मिस्टेक्स, ऑल वर्थ वन डे. इफ़ यू ऑल्सो अ नीट एस्पिरेंट देन इट इज़ गोइंग टू वर्थ माई फ्रेंड. सुबह के बज रहे हैं 5:59 और मैं और मेरे मामा जी बिल्कुल भी नहीं सोए हैं. भैया भी थोड़ा सा सो लिया, बाकी सब थोड़े थोड़े सो लिए हैं. And finally, yes, this is the last forest of our whole journey and this was a very dense forest having tigers and having so many wild animals and this is our destination. Yes, this is GMC yes, Satna. This is a very newly opened college in 2023 in district Satna of Madhya Pradesh and this is hostel building and we had boys, girls and interns and also nursing hostels and this is our academic building. क्योंकि नया कॉलेज है इसीलिए इसका हॉस्पिटल अभी प्रोसेस में है जो कि 700-800 बेड्स का है जो कि बहुत बड़ी कैपेसिटी होती है. बट इसके पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अटैच है जिसमें पेशेंट्स का फ्लो काफ़ी अच्छा है क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ इस एरिया में उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है. देन वी हैड टूअर्ड आर काउंसलिंग एंड दिस इज़ माई मेडिकल फॉर्म. यहाँ पे इंतज़ार किया जा रहा है गायनी वाली मैम का जिन्होंने बहुत परेशान किया था सबको. 2 to 2.5 आवर्स हम लोग उनका वेट करते रहे और इसी वजह से हमें नेक्स्ट डे भी रुकना पड़ा. ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मेमोरेबल और साथ ही साथ इमोशनल भी क्योंकि मेरी 3 of favorite things एक साथ इस फ्रेम में हैं जो कि है सनसेट, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड
द मोस्ट वन दैट इज माई फादर। काउंसलिंग की प्रोसेस भले ही अधूरी रह गई थी लेकिन हमें इतना जरूर समझ आ गया था कि ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा टफ और बहुत ही ज़्यादा इरीटेटिंग हो सकती है क्योंकि एफिडेविट्स के लिए आपको भागना पड़ेगा, ये कॉपी वो कॉपी, और साथ ही साथ में आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके किसी डॉक्यूमेंट में कोई भी इंफॉर्मेशन वेरी ना कर रही हो क्योंकि दो लोगों के फॉर्म्स रिजेक्ट हो गए थे। यस यू हर्ड इट राइट, ऐसा भी होता है क्योंकि उन दोनों लोगों ने 11th में बायोलॉजी नहीं लिया था। इसका नतीजा ये होता है कि उनको इस साल बिल्कुल भी एडमिशन नहीं मिलेगा, उनको नेक्स्ट ईयर ही अपीयर होना पड़ेगा। जितने भी लोग इस वीडियो को देखने के बाद काउंसलिंग में अपीयर होने वाले हैं या जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो याद रखना कि अपने डॉक्यूमेंट्स हमेशा ही प्रॉपर बना के रखना। एंड हियर वी गोज विद द सेकंड डे ऑफ आवर जर्नी एंड दिस इज द एशियाज नंबर वन लार्जेस्ट सोलर प्लांट। ये है पूरे इंडिया का वन ऑफ द अमेजिंग क्रिएशंस बाय द इंजीनियर्स, दैट इज अ टनल अंडर अ माउंटेन। इस जर्नी के दौरान मेरे मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि मेरे पेपर्स में कोई भी ग्लिच ना हो, सारे पेपर्स अच्छे से अरेंज हों, वरना मुझे सब कुछ फिर से अरेंज करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर कुछ कुछ लोग ऐसे थे जो 3-3 दिनों से रुके हुए थे एंड आई डिडंट वांटेड दैट। एंड देन वी रीच्ड टू आर डेस्टिनेशन, अगेन वी रीच्ड टू कॉलेज एंड दिस वॉज द फाइनल डे ऑफ आर एडमिशन। फाइनली बहुत सारे एफर्ट्स और बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी के बाद हमारा एडमिशन फाइनल हो गया। वन मोर थिंग टू शेयर इज मैंने अपग्रेडेशन के लिए डाला हुआ, अपग्रेडेशन होती है और जिस भी कॉलेज में हम जाते हैं आई विल शूट दैट। पार्ट टू में हम देखेंगे कि मेरा अपग्रेडेशन होता है या नहीं, और होता है तो कौन से कॉलेज में, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, जल्दी ही मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। बाय गाइस।